पिछले कुछ दिनों से श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की घटना मीडिया से लेकर आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। वहीं ऐसे में ये मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि श्रद्धा की हत्या कथित रूप से उसके लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने की थी। आफताब के इस जघन्य कृत्य को लेकर लोगों में रोष है और साथ ही राइट विंग अन्य मामलों की तरह इस घटना को भी कम्युनल एंगल देने से पीछे नहीं रह रही। इस बीच इस हत्या के बारे में लोगों की राय दिखाने वाला ये वीडियो सामने आया जिसमें ये शख्स इस हत्या को सही ठहराते हुए ये बातें कह रहा है। 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है तो नशे में 35 क्या 36 पे कर देता है। कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारे? सीधी है, चाकू लो बजाई चले जाओ। नुई आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कभी? हाँ, आज मेरे की तरह लड़े काट दूंगा कभी। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्त से मैं थोड़ी। रहने वाले बुलंदशहर का? बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी, 35 की जगह 36 के 38 भी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इस बात को, जब आदमी नशे में होता है ना नुई बजाई चला जाता है, जैसे भैंस की तरह, जैसे भैंस काटते हैं सब हो जाता है। इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होते ही इसे भी कम्युनल एंगल दिया गया। अब इंडिया ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए इस शख्स की पहचान राशिद खान के रूप में की। यूट्यूब चैनल जन की बात के प्रधान संपादक प्रदीप भंडारी ने भी इस व्यक्ति को राशिद खान बताया। पत्रकार रितेश कश्यप ने भी यही दावा किया जो कि आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य से जुड़े हुए है। देखते ही देखते कई यूजर्स ने ये वीडियो क्लिप राशिद खान की बताते हुए शेयर की। तो क्या वाकई में श्रद्धा वॉल्कर की हत्या को सही ठहराते हुए ये बयान देने वाला शख्स राशिद खान है? जांच करते हुए ऑल न्यूज को यूट्यूब चैनल TNN वर्ल्ड पर इसी व्यक्ति का ये दूसरा वीडियो मिला। इस वीडियो में ये शख्स साफ तौर पर खुद को विकास बताता है। आप एक कुरान लाना, इंग्लिश में लाना, उसमें पढ़ना, आखिरी में 3 पन्ने में क्या लिखा है? बस क्या लिखा है बताओ। ना कैमरे पे सामने नहीं बताऊंगा, ना मेरे को गोली मार देगा कोई। आपको हम नशा में, हम आपको गाली दे रहे हैं तो हमारे भाई हैं तो इनको भी हम गाली दे, उसको नशा कहा जाता है। ठीक है, नशा गाली नहीं देता है, नशा मारपीट नहीं करता है। नशा करने वाला आदमी ना चुपचाप जाता है, सो जाता है। जो खामोखाई मारेगा किसी है, ठीक है, किसी कोई खामोखा तुम्हारी ना मतलब भगा के ले गया, गलती पलती होगी जब तो कोई करता है, बेहतर थोड़ी है। 15 तारीख को यहीं पे हम सुने थे कि हम होते तो भैंसे की तरह कच 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 कर देते हैं। आप ही बोले थे। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। हाँ, विकास कुमार। विकास कुमार जी, कहाँ के रहने वाले? यूपी का, बुलंदशहर का। यूपी बुलंदशहर का। ये बताओ कि जो श्रद्धा के साथ में कांड हुआ, 35 टुकड़े किए गए, आफताब नाम का लड़का किया, क्या लगा तो उसका लड़की के 35 करे तो आफताब के 74 कर दो, सीधी सी बात है। और इंसाफ मिलना चाहिए, खत्म कहा नहीं और क्या। अच्छा, 74 करो, दम होना चाहिए। मेरे बात भेज देख दूँ, 74 के 75 कर दूंगा, इधर चक्कू बजाऊंगा शरीर में कि पहचानने वाला मना कर देगा। किसको करोगे 74? जिसने मारा वो लड़की मारी, जिसने उसके कर दूंगा। मारी जो 35 टुकड़ा किया, सही किया उसको? 35 तो देखो वो जाना, उसको काम जाना, गलती होगी जब तो कहूँगे 35 तो उसको भी तो मिल लीजिए। मान रहे हो आप इसमें किसकी क्या लड़की की कहा, जब लड़की की भी गलती होगी थोड़ी बहुत जो भी है। अच्छा, गलती होगी आपके साथ? होगी भाई, सब कहते हैं मतलब गलती होगी तो फिर उसको मतलब 35 टुकड़ा कर देना सही है। अरे तो उसके 35 करे तो उसके 75 कर दो, लड़के के कहानी खत्म। 36 कर दो, 35 कर दो, 74 कर दो, मेरे पास भेजो, मैं 75 कर दूंगा बस। और क्या, मार दो उसे भी जिंदगी हो, फांसी दो उसे, इंसाफ मिलना चाहिए उसका भी बस। और क्या इसमें? आपका नाम विकास है? और क्या, दाढ़ी से मुंडा लग रहा हूँ हिंदुओं पर, आधा गाड़ देख लो भाई और बता। वहीं बुलंदशहर पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक ने इस वीडियो के बारे में ये बयान दिया। 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जो कि दिल्ली में शूट किया जाना पाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो खुद को राशिद बता रहा है उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में थाना सिकंदराबाद की पुलिस को लगाया गया था कि इस व्यक्ति को ट्रेस करें, जिसके आधार पर इस व्यक्ति को आज हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपना नाम विकास बताया है और इसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर इस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ यह बात प्रकाश में आई है कि इसके ऊपर पूर्व के 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 2 जनपद बुलंदशहर में तथा 3 जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं, जो कि चोरी और अवैध असलाह से संबंधित हैं। इससे विस्तृत पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।
पत्रकार सचिन गुप्ता और आदित्य तिवारी ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि श्रद्धा वॉल्कर की हत्या को सही ठहराने वाले इस व्यक्ति का नाम राशिद नहीं बल्कि विकास है। वहीं गिरफ्तारी के बाद विकास नाम के इस आदमी ने एक पत्रकार से बात करते हुए ये कहा था, तुमने जो कहा उसका तुम्हें पछतावा है कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, 35 के बजाय 36 टुकड़े किए जा सकते हैं और आसानी से भैंस की तरह काट दो। पछतावा है, मैं खुद टेंशन में, मैं कल कल मरूंगा, मुझे देख रहा यहाँ ना, तो जेल में मरूंगा, मरूंगा जरूर। ये फिर तुम दोबारा गलत बात कर रहे हो, अब तुम मरने की बात कर रहे हो, तुम्हें पछतावा है या नहीं? पछतावा है बहुत बड़ा, मैंने गलत देखा, मुखा ऊपर का केस लिया, कुछ भी बात नहीं थी। और तुमने अपना नाम राशिद क्यों बताया जब विकास कुमार तुम्हारा नाम है? वहाँ पर तो मुझे राशिद राशिद कहते थे, जब मुझे की वजह से मैंने कहा नहीं बता, तो मुझे नहीं पता था कि सर ये इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी मेरे साथ, मतलब मुझे क्या मतलब तो हम बोलने के लिए। हालांकि अपनी झूठी खबर पर अपडेट देते हुए ऑफ इंडिया ने ये ट्वीट किया और ये आर्टिकल पब्लिश करते हुए इस व्यक्ति की पहचान विकास कुमार के रूप में की। बहरहाल पीछे न रहते हुए राइट विंग न्यूज आउटलेट स्वराज्य से जुड़ी पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा ने ये दावा किया कि विकास कुमार ने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। बुलंदशहर पुलिस ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि वीडियो में दिख रहे आदमी का नाम राशिद खान नहीं बल्कि विकास कुमार है, और तो और उसके हाल में इस्लाम धर्म कबूल करने को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब ये तो स्वाति गोयल शर्मा ही बता सकती है कि उनके सार्वजनिक रूप से किए गए दावे का सबूत क्या है। तो जैसा कि आपने देखा, श्रद्धा वॉल्कर की हत्या को जायज ठहराते हुए इस शख्स ने ये बयान दिया और बिना कोई छानबीन किए मीडिया वेबसाइट्स और उससे जुड़े पत्रकारों ने ये झूठा दावा कर दिया कि ये व्यक्ति राशिद खान है, लेकिन असल में ये व्यक्ति विकास कुमार है, जिसकी टिप्पणी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।